प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले एक तरफ नेताओं का एक पार्टी से दूसरी पार्टी में आना जाना लगा हुआ है, वहीं ऐसे कई प्रशासनिक अफसर भी हैं जो इस बार चुनावी मैदान में अपनी किस्मत मध्य प्रदेश में आजमा सकते हैं। इस रिपोर्ट में ऐसे ही प्रशासनिक अफसरों के बारे में आपको हम जानकारी देंगे जिनको लेकर ये कयास लग रहे हैं या उन्होंने खुद ये साफ कर दिया है कि वो विधानसभा चुनाव में मैदान में उतर सकते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी तक स्पेशल और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा ठाकुर। दरअसल देखिए, मध्य प्रदेश में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और मध्य प्रदेश के प्रशासनिक अधिकारियों का फिलहाल मन जो है वो नौकरी से ज्यादा राजनीति में लग रहा है। हाल ही में निशा बांगरे जो कि डेप्यूटी कलेक्टर रही हैं, वो सुर्खियों में रही अपने इस्तीफे की वजह से। माना जा रहा है कि उन्होंने जो इस्तीफा दिया है उसके पीछे वजह है आने वाले विधानसभा चुनाव, जिसमें वो बैतूल की आमला विधानसभा सीट से चुनाव लड़ सकती है। आपको बता दें कि एक के बाद एक मध्य प्रदेश के अधिकारी राजनीति में अपनी एंट्री की कोशिशों में जुटे हुए हैं। ताजा मामला दो अधिकारियों का है जिन्होंने नौकरी छोड़ने के लिए सरकार को नोटिस भेजा। हालांकि एक अधिकारी का आवेदन सरकार निरस्त करके उनके सपनों पर पानी फेर चुकी है, जबकि दूसरे अधिकारी का आवेदन फिलहाल शासन ने अपने पास रखा हुआ है। बात की थी हमने निशा बांगरे की। निशा बांगरे ने शासन को नौकरी छोड़ने का आवेदन दे दिया है, यानी कि अपना इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने वजह बताई है उनकी धार्मिक आस्था का आहत होना, लेकिन माना जा रहा है कि असल वजह उनका राजनीति से प्रेम है। वो बैतूल के आमला से चुनाव की तैयारी कर रही हैं। बता दें कि लगभग एक महीने पहले से ही उन्होंने अपना राजनीतिक प्रेम जो है वो सोशल मीडिया पर जाहिर कर दिया था। इनफैक्ट एमपी तक से बात करते हुए भी उन्होंने ये कहा था कि अगर उन्हें कोई पॉलिटिकल पार्टी अप्रोच करती है तो वो विधानसभा चुनाव में मैदान में उतरती हुई दिखाई देगी। आपको बता दें कि निशा बांगरे ने 6 महीने की मेटर्निटी लीव ले ली, उसके बाद आमला में उनके बैनर और पोस्टर्स लगने शुरू हो गए। ये पोस्टर्स सर्वधर्म शांति सम्मेलन को लेकर लगे हैं। वहीं शासन ने इस कार्यक्रम के लिए अनुमति नहीं दी थी, जिसके बाद निशा बांगरे ने अपना इस्तीफा शासन को दे दिया और उनकी धार्मिक भावनाएं आहत होने की बात कही। हालांकि उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया है, जिसके ऊपर काफी सियासत फिलहाल होती हुई दिखाई दे रही है। ऐसे ही एक और सीनियर आईपीएस ऑफिसर हैं पुरुषोत्तम शर्मा, जो विधानसभा चुनाव में उतरने की तैयारी कर रहे हैं। आपको बता दें कि सरकार ने उनका इस्तीफा निरस्त कर दिया है। वो मुरैना जिले के जौरा सीट से चुनाव लड़ना चाहते हैं, ऐसा माना जा रहा है। वहीं आपको दो ऐसे अधिकारियों के बारे में बताते हैं जिन्होंने नौकरी छोड़कर राजनीति का दामन थामा था। रुस्तम सिंह और भगीरथ प्रसाद दोनों मध्य प्रदेश के ऑफिसर्स हैं जिन्होंने चुनाव लड़ा और वो जीते भी। आईपीएस अधिकारी रुस्तम सिंह 3 बार चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचे और कैबिनेट मंत्री रहे। इसी तरीके से भगीरथ प्रसाद 2014 के लोकसभा चुनाव में भिंड से चुनाव जीतकर लोकसभा पहुंचे थे। वहीं मध्य प्रदेश में अधिकारियों का, खासतौर पर प्रशासनिक अधिकारियों का राजनीतिक प्रेम नया नहीं है। अगर हम पिछले साल की बात करें तो आईएएस ऑफिसर वर्धमूर्ति मिश्रा ने नौकरी छोड़कर जो है खादी पहनने का फैसला किया था। 1996 बैच के डिप्टी कलेक्टर वर्धमूर्ति मिश्रा ने 2014 में आईएएस अवार्ड उनको मिला था और फिलहाल उन्होंने अपनी नई पॉलिटिकल पार्टी का ऐलान कर दिया है और अगले विधानसभा चुनाव जो कि इस साल के अंत में होने वाले हैं उनकी तैयारियों में वो जुटे हुए हैं। वहीं रिटायर्ड आईएएस अधिकारी वीके बाथम फिलहाल कांग्रेस में सक्रिय दिखाई दे रहे हैं। वो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रह चुके हैं। अब उनसे जिम्मेदारी लेकर सीनियर लीडर दिनेश यादव को सौंप दी गई है। उनके भी चुनावी मैदान में उतरने की संभावनाएं जो हैं वो आने वाले विधानसभा चुनाव में जताई जा रही है। ऐसे ही आईएएस ऑफिसर बी चंद्रशेखर भी चुनावी पारी खेलने की तैयारी में हैं। वो जबलपुर कमिश्नर रह चुके हैं, वो वीआरएस ले चुके हैं और चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। वहीं पूर्व आईएएस अधिकारी पन्नालाल सोलंकी, वीके बाथम, पूर्व आईपीएस एमपी वरकड़े भी चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी कर रहे हैं। ऐसे कयास लगातार लगाए जा रहे हैं। फिलहाल ये फहरिस्त थी उन तमाम अधिकारियों की जो या तो मध्य प्रदेश में चुनावी मैदान में उतर चुके हैं या फिर इस विधानसभा चुनाव ये चुनावी मैदान में उतरते हुए दिखाई देंगे। फिलहाल ये देखना होगा कि तमाम प्रशासनिक अधिकारी जब चुनावी मैदान में उतरेंगे तो जनता इनका चुनाव करती या नहीं करती, लेकिन फिलहाल कई अधिकारी ऐसे हैं जो इस्तीफा देकर बाकायदा आने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। रिपोर्ट आपको कैसे लगी कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और मध्य प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों के लिए बने रहिए एमपी तक के साथ।